देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 61 रियल का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये, आपके पास मान लो अल्टरनेटिव सीरीज हो, क्या हो, अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। जैसे आपको ये दे दी जाए -1^n इंटू 1/n, ये सीरीज दे दी जाए, और अल्टरनेटिव सीरीज में क्या हो आपका कि ए एन प्लस वन जो है वो लेस देन आता हो किससे, ए एन से, ए एन प्लस वन किससे लेस देन आता हो, ए एन से, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, ए एन पे लगाओ, अगर ये आपका क्या आता हो, जीरो आता हो, तो ये जो सीरीज है दैट विल बी द कन्वर्जेंट, ये सीरीज क्या करेगी आपकी, कन्वर्ज करेगी। ओके, एक और रिजल्ट है हमारे पास, नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास ये है एक कि अल्टरनेटिव सीरीज हो हमारे पास, क्या हो, अल्टरनेटिव सीरीज। जैसे अगर मैं मान लूँ 1/2, 1 -1/2, 1/3, 1/4 अप टू सुन, ये सीरीज है, और ये सीरीज अगर मैं ध्यान से देखूँ ये कन्वर्जेंट, और किसे कन्वर्ज करती है, लॉग 2 को। एक चीज़ का ध्यान रखना, पहली टर्म क्या है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अप टू सुन, ये चला हुआ है इसमें, ये क्या है हमारे पास, कन्वर्जेंट, और किसे कन्वर्ज करती है, लॉग 2 को कन्वर्ज करती है। सपोज करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस अप टू सुन, ये किसे कन्वर्ज कर जाएगी, माइनस लॉग 2 को, किसे कन्वर्ज कर जाएगी, माइनस लॉग 2 को। यानी कि अगर आपके पास अल्टरनेटिव सीरीज गिवन हो, क्या गिवन हो, अल्टरनेटिव सीरीज, ओके, और उस अल्टरनेटिव सीरीज की अगर हमारे पास ओड टर्म में जो है, क्या है, यू एन क्या, अल्टरनेटिव सीरीज, और जो ओड टर्म में है वो तो आपकी कैसी हो, नेगेटिव, और इवन टर्म में अगर आपकी क्या हो, पॉजिटिव। ओड टर्म में तो आपकी नेगेटिव हो, इवन टर्म में अगर आपकी पॉजिटिव है, तब वो जो है नेगेटिव से स्टार्ट हुई है तो वो किससे कन्वर्ज कर सकती है, वो आपकी नेगेटिव को कन्वर्ज कर जाएगी, जिसे कन्वर्ज करेगी दैट नंबर विल बी द नेगेटिव। ओके, ये हो गया हमारे पास। और दूसरी चीज, ये जो सीरीज होती है हमारे पास, सेम क्वांटिटी तो है नहीं, अगर ये सेम होता जैसे 1, 1, 1 तब तो ये कैंसिल आउट होके जीरो को कन्वर्ज करने का रहता है, पॉजिटिव सीरीज जो है वो जीरो को कन्वर्ज कर जाती है, बट जो अल्टरनेटिव सीरीज रहती है इनमें अपोजिट साइन वर्क करते हैं हमारे, तो हम ये नहीं कह सकते ये जीरो को कन्वर्ज करेगी। ओके, अब समझते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, क्या गिवन आपको, -1^n यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एवरी एन के लिए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि एन को वन पुट किया तो माइनस इंटू में क्या है, -1 यू वन जीरो से बड़ा, टू पुट किया तो यू टू भी जीरो से बड़ा, तीन किया तो -u3 भी जीरो से बड़ा, सभी। अच्छा, एक बात तो है, देखिए नेगेटिव ये रहा, अगर यू वन हो गया पॉजिटिव, क्या यू वन अगर पॉजिटिव हो गया तो इनकी प्रोडक्ट तो क्या जाएगी, नेगेटिव आएगी, जीरो से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब माइनस का यू वन, इनकी जो प्रोडक्ट है वो जीरो से बड़ी तभी आएगी जब यू वन आपका नेगेटिव हो, क्यों, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, जीरो से छोटा, यू टू जीरो से बड़ा, यानी कि ये तो है ही जीरो से बड़ा। अब -u3 जीरो से बड़ा कब होगा, ये जीरो से बड़ा तभी होगा जब आपका u3 जो है जीरो से छोटा रहा हो, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ये जो फर्स्ट कंडीशन हमारी है ये सिर्फ तभी होल्ड करती है जो un है, क्या, जो un है आपका क्या आता हो, ओड पे तो आए नेगेटिव और इवन पे आए पॉजिटिव, क्योंकि ओड पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हमें यूएन का नेचर पता चल गया, किसका नेचर पता चल गया, हमें यूएन का, यूएन के अगर नेचर की बात करें हम, ये कहेंगे जब हमारा ओड नंबर है उस दौरान तो यूएन क्या रहेगा, जीरो से छोटा, और जब इवन होगा उस दौरान यूएन क्या होगा, जीरो से बड़ा, ये है। अगर मैं लेबनिज रूल की बात करूं, वहां अपोजिट चलता है, पहले पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, यहां इन्होंने आपके साथ क्या किया है, पहले नेगेटिव से स्टार्ट कर दिया, क्या, यानी कि ओड जो है, अगर मैं लेबनिज की बात करूं, जैसे जितने भी हमने अल्टरनेटिव सीरीज के अंदर जितने भी हम क्वेश्चन करते थे क्या होते थे, 1 -1/2
वन बाय थ्री माइनस वन बाय, यानी कि जितने भी होते थे क्वेश्चन उसमें जो फर्स्ट टर्म होती थी वो होती थी पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, यानी कि हम इवन से स्टार्ट कर, पॉजिटिव से स्टार्ट करते थे, ओड पे तो पॉजिटिव और ओड पे तो पॉजिटिव और इवन पे नेगेटिव। यहाँ इसने रिवर्स कर दिया, मतलब ओड पे तो कर दिया नेगेटिव। अच्छा, ये किसे कन्वर्ज करती थी? ये आपकी कन्वर्ज करती थी पॉजिटिव क्वांटिटी को। किसे कन्वर्ज करती थी? ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी को कन्वर्ज करती थी। रिवर्स करने से क्या होगा? बस नेगेटिव साइन करने से ये किसे कन्वर्ज कर जाएगी? नेगेटिव क्वांटिटी को। किसे कन्वर्ज कर जाएगी? ये आपकी नेगेटिव क्वांटिटी को। ओके, समझते हैं, आइए पहली चीज देखिए। हम एक चीज जानते हैं, अगर मैं कैसे ना कैसे आपको ये प्रूफ करके दिखा दूं, हम ये जानते हैं यू एन प्लस वन का अगर मोड लेस देन इक्वल टू हो गया यू एन के मोड से फॉर ऑल एन, दैट मीन्स फिर हम ये अल्टरनेटिव सीरीज में अगर हम ये दिखा देंगे, ये हो जाएगा कि ये सीरीज जो है हमारे पास यू एन सीरीज कन्वर्ज करती है। क्या करती है? यू एन सीरीज कन्वर्ज करती है। आइए समझते हैं, देखिए जो गिवन है यू एन प्लस वन का जो मोड है लेस देन इक्वल टू है यू एन के मोड बाय टू से, इसे लेस देन इक्वल टू है और ये फर्दर लेस देन इक्वल टू होता है यू एन के मोड से। यू एन प्लस वन का मोड क्या है? यू एन मोड बाय टू, इसे लेस देन इक्वल टू, दैट विल बी द गिवन। ये आपको गिवन है। और ये क्वांटिटी किससे लेस देन होती है? ये क्वांटिटी इससे लेस देन होती है। अब बीच वाली को जाओ भूल, ये क्वांटिटी इससे क्या आ गई? लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स ये अगर ये हो गई हमारी तो ये क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। क्या करेगी? कन्वर्ज। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं यू एन इज ए कन्वर्जेंट सीरीज। यू एन क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज है। ओके, और ये भी बोल सकते हैं कि ये जो कन्वर्जेंट सीरीज है हमारे पास नेगेटिव से स्टार्टिंग हुई है, इसलिए किसे कन्वर्ज करेगी? नेगेटिव को कन्वर्ज करेगी हमारी ये। क्या? नेगेटिव को कन्वर्ज करेगी अगर ये हमारी कंडीशन होल्ड करती हुई चलती है। किसे कन्वर्ज करेगी? नेगेटिव को। पहला ऑप्शन, यू एन डज नॉट कन्वर्ज टू आर। यू एन जो है किसी भी रियल नंबर को कन्वर्ज नहीं करेगी। जी नहीं, आयोटा तो आ ही नहीं सकता यहां, कन्वर्जेंट तो है और कन्वर्ज करेगी तो आर के को ही कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन रोंग है। यू एन कन्वर्ज टू जीरो, रोंग सिद्ध करते हैं इसको। देखिए वन बाय एन का फैक्टोरियल, ये कन्वर्ज करता है किसे? ई को। माइनस वन की पावर एन पे जब वर्क करेंगे तो वो माइनस ई आ जाएगा। दैट मीन्स ये किसे कन्वर्ज कर जाएगा? माइनस ई को। या फिर ये ले लेंगे माइनस वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री प्लस वन बाय फोर। यानी कि समझाने के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये कन्वर्ज कर गया माइनस लॉग टू को, यानी कि नेगेटिव क्वांटिटी को कन्वर्ज कर रही है ये। और ये कह रहा है यू एन कन्वर्ज करेगा जीरो को। जी नहीं, दैट इज रॉन्ग। यू एन कन्वर्ज करेगा किसी नॉन जीरो रियल नंबर को। यस, नॉन जीरो की बजाय अगर वो सामने वाला मुझे ये भी कह देता कि नेगेटिव नंबर को तो भी ट्रू था। ये यहां तक है, वो फोर्थ का ऑप्शन है। ये कहता है यू एन कन्वर्ज टू ए नॉन जीरो रियल नंबर। यस, यू एन किसी नॉन जीरो नंबर को कन्वर्ज करता है। देखिए ये क्वांटिटी कब, ये होल्ड कब करती है? एन जब तीन या तेरह या तेरह से बड़ा हो तब होल्ड करती है। यहां हो, ये कहता है ये क्वांटिटी अगर आपको दे दी जाए किसके लिए? दो से लेके तेरह के बीच में। तेरह से बड़े के लिए तो ऑलवेज पहले ही गिवन थी, और दो से तेरह के लिए भी दे दी जाए, दैट मीन्स फिर तो ये क्या हो जाएगी? ये तो फॉर एवरी एन के लिए होल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये क्वांटिटी? थर्टीन या थर्टीन से ग्रेटर देन के लिए तो पहले ही गिवन थी, अब किसके लिए भी दे दिए? टू से थर्टीन के लिए भी दे दी। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है हमारे पास फॉर ऑल एन के लिए हो जाएगी ग्रेटर देन वन। इसका मतलब ये हमारी होल्ड करती है, और होल्ड करती है इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो क्वांटिटी है ओड नंबर पे तो क्या आएगी? ओड। इवन नंबर पे क्या आएगी? इवन। दैट, और दूसरी बात, ये कन्वर्जेंट है और किसे कन्वर्ज करेगी? नेगेटिव नंबर को कन्वर्ज करेगी। किसे कन्वर्ज करेगी? नेगेटिव नंबर को। ये कहता है इफ यू एन प्लस वन का मोड लेस देन इक्वल टू यू एन का मोड बाय टू। अब स्टूडेंट इस बात को देख के पजल होगे, सर ये क्वांटिटी क्यों दी है? एक्चुअलिटी में ना इसने ये कंडीशन तेरह या तेरह से बड़े के लिए तो ऑलवेज पहले गिवन थी, और यहां पे इसने क्या है दो और तेरह के लिए भी दे दी। तो इसका मतलब एवरी एन के लिए ये कंडीशन होल्ड करती, एवरी एन के लिए कंडीशन होल्ड कर गई, दैट मीन्स हमारे पास ये क्या है? कन्वर्जेंट है। और किसे कन्वर्ज करेगी ये हमारे पास? ये हमारी कन्वर्ज कर जाएगी किसे? किसी। अच्छा, ये जो रिजल्ट है हमारे पास नेगेटिव को कन्वर्जेंट, जो शब्द मैंने यूज किया है, ये क्या है? तेरह से बड़े के लिए होल्ड करता था,
और ये क्या है हमारे पास, 13 से पहले के नंबर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, 13 से जो पहले नंबर थे उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, हाँ उसके बाद के नंबरों के बारे में मुझे पता था। और हम ये जानते हैं फाइनाइट मैनीटर, अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज हो उसके फाइनाइट मैनी मेंबर को क्या है, हटाने से या रिमूव करने से उसकी कन्वर्जेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। कि किस पे इफेक्ट नहीं होता, कन्वर्जेंट के ऊपर, पहले भी कन्वर्जेंट थी बाद में भी कन्वर्जेंट रहेगी। ओके वो हो सकता है वो कन्वर्ज किसी और नंबर को कर जाए बट कन्वर्जेंट वो ऑलवेज रहेगी। जैसे अगर मैं बात करूं 1-1/2, 1/3, 1/4 अप टू सुन, ये किसे कन्वर्ज करती है, लॉग 2 को, किसे कन्वर्ज करती है, लॉग 2 को। अब सपोज करो ये जो है प्लस का 1 वहां भेज दिया मैंने, क्या हो जाएगा ये माइनस का 1, ये है। अब भी ये क्या है क्वांटिटी आपकी, कन्वर्जेंट है, और किसे कन्वर्ज करती है, इसे कन्वर्ज करती है। पहले कन्वर्ज किसे करती थी, लॉग 2 को, ये अब किसे कन्वर्ज करती है, लॉग 2 माइनस इसको, यानी कि कन्वर्जेंस के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। कन्वर्जेंस पहले भी थी और अब भी क्या रहेगी, कन्वर्ज, और किसे कन्वर्ज करेगी, नेगेटिव नंबर को, यानी कि कौन सा सही, फोर्थ सही। यू एन डज नॉट कन्वर्ज टू आर, गलत है, कन्वर्जेंट है ये। यू एन कन्वर्ज टू 0, नहीं, एग्जाम्पल अकाउंटर रॉन्ग करने के लिए हमारे पास। यू एन कन्वर्ज टू ए नॉन जीरो रियल नंबर, हाँ नॉन जीरो रियल नंबर को कन्वर्ज कर सकती है। कहता है यू एन प्लस 1 का मोड अगर लेस देन इक्वल टू यू एन का मोड बाय 2 फॉर ऑल दिस, 2 से लेके 13 और 13 से बड़ा ऑलवेज गिवन था, तो एक्चुअलिटी में यहां पे ये लिखना चाहिए फॉर ऑल एन, फॉर ऑल एन के लिए वर्क हो गया। अब अगर ऐसा है yes, ये कन्वर्ज करेगी, और किसे कन्वर्ज करेगी, नेगेटिव क्वांटिटी को, किसे कन्वर्ज करेगी, नेगेटिव क्वांटिटी को। अब स्टूडेंट यहां पे क्या है, इस बात से काफी पजल हुए, सर ये नेगेटिव क्वांटिटी को कैसे कन्वर्ज कर गई। भाई कॉमन सेंस है, पहली टर्म आपकी ओड है, सिंपल जो जितने भी क्वेश्चन आप करते थे जैसे 1-1/4, 1/9, 1/16, ये कन्वर्जेंट होती थी, और ये पाई स्क्वायर बाय 12 को कन्वर्ज करती थी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये माइनस पाई स्क्वायर 12 को कन्वर्ज कर जाएगी। इसका मतलब अगर पहली क्वांटिटी आपकी नेगेटिव है तो ये कन्वर्जेंट रहेगी, और किसे कन्वर्ज करेगी, नेगेटिव को कन्वर्ज करेगी, किसे कन्वर्ज कर जाएगी, नेगेटिव को। इसका मतलब दैट ऑल्सो ए ट्रू, तो ट्रू कौन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। क्या बोल देंगे, ट्रू कौन कौन सा है हमारा यहां पे, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द ट्रू ऑप्शन।